हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। बच्चों, आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के क्वेश्चंस देखते हैं जो नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं या डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। जो देखिए, पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर आए हुए सवाल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए, जैसे हमसे रेट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर दिए गए तीनों क्वेश्चन में रेट के बारे में बात कर रहा है बच्चों। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है बच्चों, अगर हम रेट में हमने आपको बताया था कि जैसे अगर आप देखिए, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो बच्चों, आपको पता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया था कि एल्डिहाइड में प्लस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप होने की वजह से दोनों का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। और हमने बच्चों आपको बताया कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम पावर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस एम पावर। ठीक है, तो बच्चों कीटोन तो रेस से बाहर है। अब बच्चों, आप अगर यहाँ पर देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और NO2 क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लगेगा, तो ES रिएक्शन जो मोस्ट फेवरेबल होगी वो फोर्थ वाले में होगी। ठीक है, तो एल्डिहाइड में होगी। तो पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन को आउट किया और एल्डिहाइड में देखें तो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें माइनस एम या माइनस आई वाला ग्रुप हो उसमें ES रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NA क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन will be most favorable in। तो बच्चों, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कीटोन है। तो बच्चों, कीटोन तो कटा, कीटोन में तो फेवरेबल नहीं होती, अभी देखा। अब एल्डिहाइड में देखिए, इस एल्डिहाइड में और हम अगर इस एल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, यहाँ पर इस एल्डिहाइड का प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट। अगर हम प्लस आई की बात करें तो प्लस आई इथाइल में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मिथाइल। ठीक है, और अगर प्लस आई पावर बढ़ गया तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बच्चों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ज्यादा फेवर मिलेगा आपको इस फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो बच्चों, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर या रेट की बात करें तो बच्चों, आपको पता है कि एल्डिहाइड्स का रेट कीटोन से ज्यादा होता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब इस एल्डिहाइड में भी बात करें तो एलिफैटिक का रेट एरोमेटिक से ज्यादा होता है। ठीक है, और सिमिलर सिचुएशन बच्चों, अगर हम कीटोन में देखें तो एलिफैटिक वाले कीटोन एरोमेटिक से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड है, इसी को देख करके आपको लिखना है। और रीजन वही है बच्चों, एलिफैटिक का प्लस आई, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस होने लगता है, जिसको मैंने आपको पिछली क्लास पे एक्सप्लेन किया था। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है बच्चों, एलिफैटिक का प्लस आई और एरोमेटिक का रेजोनेंस इसको कमजोर बनाता है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। बच्चों, आप देखिए, ये तीनों एल्डिहाइड हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, कीटोन हैं। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखें 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो बच्चों आपके 3, 4 और 5 आगे होगा और 1, 2 कीटोन होने की वजह से रेट में पीछे हो जाएगा। अब बच्चों, इसमें देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है ये, और इसमें तो फॉर्मेल्डिहाइड का रेट बच्चों सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है, सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड एच। अगर हम यहां पर बात करें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, तो ये प्लस आई लगाने लगेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, इसमें हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो फॉर्मेल्डिहाइड का रेट सबसे ज्यादा होगा, जो कि फिफ्थ है। फिफ्थ के बाद देखिए, ये एलिफेटिक है और ये वाला क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि एराइल ग्रुप मतलब फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये बेंजीन रिंग इस सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कार्बन के साथ रेजोनेंस करेगा। तो बच्चों, यहां पर सिर्फ इसका प्लस आई,
तो आपको मिलेगा इसके बाद फोर्थ और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड में ही एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, एराइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक वाला आगे होगा, एरोमेटिक वाला पीछे होगा, तो फाइनल हमें रेड कॉर्डर ये मिला, ठीक है। तो एरोमेटिक में प्लस एम और एलिफेटिक का प्लस आई इफेक्ट लगता है, जिस चीज को हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइगोल फ्रॉम ट्रांस आइसोमर। तो बच्चों देखिए, सिस और ट्रांस की अगर हम बात करें, ये OH और ये OH है बच्चों, जिसमें OH दोनों ही OH ग्रुप सेम साइड हैं। अगर आप ट्रांस की बात करें, एक OH इस तरीके से है, दोनों ही अपोजिट साइड है बच्चों, और सिस में क्या है, सेम साइड है, ये OH है, ये OH और H और H, ठीक है। बच्चों अभी जनरली हम देखते हैं कि अल्कोहल अगर आ गया, तो अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन में जब रिएक्शन होती है तो एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर सामने अल्कोहल दिया है तो इनमें से आपको कीटोन को उठाना है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो इनमें से कीटोन कौन सा है, एसीटोन, क्योंकि डिस्टिंग्विश करने के लिए वो हमें रिएजेंट उठाना है जो इनसे रिएक्ट करता हो, ठीक है। तो MnO2 का कोई काम नहीं है, MnO2 एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ओजोन का कोई रोल नहीं है और एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का भी यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो जो यूज है वो है एसीटोन का, क्योंकि आपको पता है बच्चों, एसीटोन अगर हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, इस तरीके से CH3 and CH3, तो एसीटोन क्या करेगा, यहां से H2O को रिमूव करके फॉर्मेशन कर देगा इसमें बच्चों एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एसिटल सिस डायोल के साथ तो बन जाएगा, क्योंकि दोनों OH सेम साइड पर आते हैं, जिससे ये अटैक होकर के आसानी से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। देखिए बच्चों, ट्रांस में देख रहे हैं कि ये अपोजिट साइड है, तो दोनों ही OH अपोजिट साइड है, तो ये आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाते। तो जब रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो यहां पर बच्चों इसमें कीटल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सिस डायोल के केस में कीटल बन जाता है एसीटोन के साथ, ट्रांस में नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हम एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम सिचुएशन है, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल। बच्चों एसीटोन है CH3 C11 OCH3, ठीक है, और इथेनॉल है C2 H5 OH, और एक्सेस में लिया गया है, ठीक है। तो एक्सेस का मतलब हमें यहां पर जरूरत है 2 मोल की इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो हमें 2 मोल की ही जरूरत होती है यहां पर पड़ेगी, इसको हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, ठीक है। तो प्लस HOC2H5 और HOC2H5, यहां से ये पानी को ले उड़ेगा और बन जाएगा बच्चों कीटल। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमें पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे बच्चों सामने है C2H5 O C2H5, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ऑप्शन से हमें इसको बच्चों मैच करा लेना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ प्राइमरी एमीन। बच्चों देखिए, तो एल्डिहाइड क्या है, RCH OH, और प्राइमरी एमीन है बच्चों RNH2, ठीक है। इसमें मैंने आपको बात बताई है बच्चों कि अमोनिया या उसका डेरिवेटिव है, तो ये H2O रिमूव कर लेता है, ठीक है। तो H2O के रिमूव होने के बाद आपको मिलेगा RCH NR, जिसको हम बोल रहे हैं बच्चों इमीन, ठीक है। क्या है ये, सब्स्टिट्यूटेड एमीन, और सब्स्टिट्यूटेड एमीन को ही बच्चों हम शिफ्ट बेस कहते हैं, बेस, ठीक है। बच्चों अगर हम प्रोडक्ट देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की कोई चांस नहीं है यहां पर, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन से बनता है,
एरोमेटिक एसिड दोनों ही एसिड हो गए, इनका कोई चांस नहीं, कीटोन बनता नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है सिप्स बेस। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये डिटेल में रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, H2O रिमूव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन तो हो ही रहा है। अब ये एलिमिनेशन किस टाइप का क्या है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आपको बच्चों जस्ट एक आइडिया हो कि कार्बोनिल कंपाउंड में हम किस रिएक्शन को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का नाम कहाँ पर लिया जा रहा है? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये फ्री रेडिकल हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर है, सिर्फ अगर इतनी बात पता है। अब इसके आगे समझिए तो कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, तो इस चीज को मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, जैसे ये R CH डबल बॉन्ड O है प्लस, और NH2G टाइप का कोई कंपाउंड है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन लिया गया है, तो न्यूक्लियोफिलिक साइड जो नाइट्रोजन है वो यहां पर अटैक करता है और बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करता है। तो यहां पर बात बताया बच्चों ने R CH, अब बच्चों ये O माइनस होगा, इसके एक H को खींचेगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर मिलेगा बच्चों हमें NH और G। फिर ये पार्ट क्या हुआ है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। ठीक है, यहां एडिशन हो रहा है, एडिशन ही लिख देते हैं सिंपली, ये है एडिशन। ठीक है, अगले स्टेप में क्या है बच्चों? यहां से H2O रिमूव होता है, ये स्टेप होता है एलिमिनेशन का। ठीक है, तो आपको मिला बच्चों R CH डबल बॉन्ड NNG, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के प्रॉपर स्टेप्स का मैकेनिज्म हमने यहां पर आपको बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, पिछले जैसे ही है कि द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन। तो चलो देखिए, सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला केस है, अभी डिस्कस किया है, तो CH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH2। फाइनली वाटर का रिमूवल होता है, और वाटर के रिमूवल के बाद हमें मिलता है बच्चों डबल बॉन्ड N और NH2, तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन में हमें बच्चों सिंपली इसको चेक कर लेना है, जो नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नॉर्मली आसान होते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखते हैं, CH3CHO में HCN मिलाया, तो हमने बताया कि HCN मिलाने से साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है जो कि बना दिया है, फिर हाइड्रोलिसिस हो रही है, फिर साइनोलिसिस में बच्चों जो CN है वो COOH में चेंज हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये एसिटल्डिहाइड है, और एसिटल्डिहाइड में फाइनली आपने एक जो कार्बन है, इस कार्बन के बारे में हमने आपको बताया कि बच्चों ये sp2 कार्बन है इस तरीके से। ठीक है, और sp2 कार्बन ये काइरल कार्बन में चेंज हो चुका है बच्चों यहां पर। ठीक है, तो CH3CH, तो CH3CH तो है, बाकी पार्ट बच्चों OH और CN में कन्वर्जन हुआ है, तो ये काइरल कार्बन बना। ठीक है, तो अगर काइरल कार्बन है तो ये R भी हो सकता है और ये S भी हो सकता है, कि जब R और S दोनों होते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर। ठीक है, अब बच्चों हमने R और S बनाया है, तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि दो कंपाउंड है, अगर परसेंटेज में डिवाइड करें तो 50% आपको ये मिलेगा और 50% हमें ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो 50-50% R और S जिसको हम रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछा है कि एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट होता है, जो कि जनरेट हो होता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है कि द एसिड वुड बी, जो एसिड बना है वो क्या है, तो ये डी आइसोमर ना एल आइसोमर, क्योंकि डी आइसोमर और एल आइसोमर बनने का मतलब क्या प्योर होने चाहिए, जो कि प्योर नहीं है। ठीक है, 50% डी 50% एल, हाँ मुझे 50% डी एल बोले या 50% हम आर एस बोले वो मिलेगा। ठीक है, तो 50 इक्वल अमाउंट में बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम इसी को ही दूसरे तरीके से पूछा गया है, अ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद HCN। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड HCN से रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है और रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। तो यहां पर प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करना था, यहां पर आपसे पूछा कि वो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होगा जो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। तो उसके लिए बच्चों देखिए, कार्बन का काइरल होना जरूरी है और काइरल सेंटर से अटैच चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों अगर आप सिंपली यहां से चले इस कार्बन से, क्योंकि यही कार्बन आगे जाकर के काइरल कार्बन में कन्वर्ट होता है, इस कार्बन की अगर हम बात करें बच्चों यहां पर, यही आगे जाकर के देखिए काइरल कार्बन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां पर दोनों ही हाइड्रोजन है, तो अगर दो एटम सेम हो रहे तो ये काइरल नहीं होगा बच्चों, यहां पर देखिए डिफरेंट है, ये काइरल हो जाएगा, तो काइरल कंपाउंड क्या हुआ। अब इसमें देखिए दोनों सेम है, CH3 CH3, ये काइरल नहीं होगा,
यहाँ पर देखिए दोनों ही इथाइल ग्रुप है, ये भी कैरल नहीं होगा। तो हमने बिना कुछ किए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता था हमने, उसके बेसिस पर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आंसर मिला हमें सेकेंड। बच्चों स्टार्ट करते हैं एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमने आपको बताया कि एल्डोल में दो तरीके का प्रोडक्ट बनता है, एक तो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जिसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा बच्चों हीट करें अगर तो हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये बात हमें रट जानी चाहिए। तो हम अगर यहाँ पर देखें लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये प्रोडक्ट बनता है बच्चों अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं होता और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर की बात कर रहा है, तो बच्चों एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर कह रहा है कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, तो बच्चों यहाँ पर एसिड बनने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बच्चों लिया है CH3CHO, ठीक है, इसको अगर हम बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट बेस होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों हमें CH3CHOH CH2CHO। बच्चों ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और बात हमने आपको बताई कुछ इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, CH3CH1O प्लस दूसरे कंपाउंड को इस तरीके से लिखा CH2CHO और ये H यहाँ जुड़ते हैं, इस H को यहाँ पर लगाते हैं, तो इस तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आंसर मिला फर्स्ट। और मुझे इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, कह रहा कि साइक्लोहेक्सेनोन है एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों आपको प्रोडक्ट बना हुआ है इसी में ही देखना है, क्योंकि हीट कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिए एक कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आंसर मिला। बच्चों ये अल्कोहल है, ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड तो है ही, ये तो बनने का चांस नहीं है। बच्चों यहां पर भी इसके बनने का भी कोई चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि कीटोन है, प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इसमें आगे हीट करें तो हीट करने पर बच्चों पानी जाएगा और वाटर का रिमूवल एक एच यहाँ से, ये OH, तो देखिए बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, तो ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सिर्फ एक ही कार्बोनिल कंपाउंड है जैसा कि यहाँ पर है, इसमें दो दो कार्बोनिल कंपाउंड है ये नहीं होगा, दो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ एक ही कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और बच्चों अगर आप इसको देखें तो ये है अल्फा और बीटा और ये गामा पर जाकर के वजह लग गया, तो इसके भी कोई संभावना नहीं है, वैसे भी हीट कर रहे हैं तो अगर ये बीटा हाइड्रोक्सी हो की चांस नहीं है, तो हीट करने पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जनरेशन होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, आंसर मिला बच्चों में फर्स्ट। ठीक है, अगर बच्चों हम रिएक्शन की बात करें 50% के वजह प्रोडक्ट पूछ रहा है, बच्चों देखिए बेस का इस्तेमाल किया है और ये एक बेंजिल डिहाइड है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, ठीक है ना, अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैनिजारो का रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों, और कैनिजारो का प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, तो ऑक्सीडेशन में एसिड बनेगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा CH2OH। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, चूंकि मीडियम बेसिक है तो यहां पर मिलेगा बच्चों पोटेशियम लिया गया है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा, चार्ज वाला बना करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, कैनिजारो का एग्जांपल। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विथ 50% एक्वस NOH यील्ड्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड। तो अगेन बच्चों यहां पर कैनिजारो की बात कर रहा है, इस रिएक्शन में भी कैनिजारो का बात कर रहा है, तो कैनिजारो वहां पर होगी जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। बच्चों देखिए इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ बेंजिल डिहाइड ऐसा है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें कैनिजारो हो जाएगा और इससे हमें एसिड और अल्कोहल का प्रोडक्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मेटा क्लोरो बेंजिल डिहाइड है 50% केओएच से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है अभी जस्ट, तो वहां पर बच्चों क्या स्ट्रक्चर बना दिया था, यहाँ पर नाम लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन अभी हमने इसको सॉल्व किया है, मेटा क्लोरो बेंजिल डिहाइड। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आपको याद आ रहा होगा ये कैनिजारो है,
कैनिजारो का एग्जांपल है और इसका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो क्लोरीन मेटा पोजीशन पर ही रहेगा। तो कभी कभी ये घुमा सकता है आपसे कि क्लोरीन की पोजीशन को बदल दे, मेटा की जगह पैरा पर पहुंचा दे या ऑर्थो पर पहुंचा दे, तो क्लोरीन को आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एल्योल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो अल्फा एच नेसेसरी है बच्चों एल्डोल की कंडीशन के लिए, और बच्चों यहां पर देखिए अल्फा कार्बन है, इसमें भी अल्फा कार्बन है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एल्डोल की जगह कैनिजारो होता है, और बच्चों इसमें भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। तो एल्डोल रिएक्शन उस जगह पर नहीं होती जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखें तो बेंजीलिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटोफिनोन के साथ बेस के साथ प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। तो एसिटोफिनोन है बच्चों देखिए सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। ठीक है, तो बच्चों ये एल्डोल का एग्जांपल है क्योंकि तो बने हुए प्रोडक्ट अगर हम देखने से आईडी लगे तो एल्डोल जैसे ही लग रहे हैं, और एल्डोल का प्रोडक्ट बना देते हैं बच्चों हम। अल्फा कार्बन से रिएक्शन होती है, ठीक है, इस तरीके से बच्चों एक बॉन्ड इधर बनेगा एक इधर, तो हमें मिलेगा COH CH3 एंड CH2 C11 OCH3। यहां पर बच्चों ये रिंग है, ठीक है, तो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो अल्फा और बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम देखें ये डायोल है, इसके बनने की चांस नहीं है, यहां पर भी ये नहीं बनेगा और इसके भी बनने की कोई चांस नहीं है, प्रोडक्ट आपको मिल गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए अल्फा और बीटा के बीच में क्या है बच्चों अनसैचुरेशन। तो अगर हम इसको हीट कर दें बच्चों एक एच यहां से जाएगा और OH जाने के बाद हमें मिलेगा अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड CH सी डबल बॉन्ड O और एक रिंग इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों हम देख के बता सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल का प्रोडक्ट है। कॉमनली जो बेस है वो NOH या KOH का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों यहाँ पर C2H5ON दिया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, हम देख के बता सकते हैं जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिखा है कि रीमर टीमर रिएक्शन। बच्चों रीमर टीमर रिएक्शन फिनॉल में होती है और हम क्लोरोफॉर्म और KOH का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट बना बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड OH एंड CHO। जो देखिए यहां पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना, ठीक है, तो इस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कैनिजारो की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो जो ये अलग है, ये अलग है, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जहां नहीं बनता है वो है बच्चों कैनिजारो। अगर वुड्स की बात करें बच्चों, तो वुड्स एल्किल हैलाइड और सोडियम मेटल और हम ईथर का इस्तेमाल करते हैं तो एल्केन बनता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बच्चों यहां पर भी बना, ठीक है। अगर फील्ड क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो बच्चों बेंजीन है और RCOCl AlCl3 प्रोडक्ट है, C11OR। तो देखिए यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, ठीक है, जैसे यहां पर बना था। तो जहां पर नहीं बनता है वो बच्चों सेकेंड ऑप्शन कैनिजारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन अब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन में CH3 C11 OCH3, ठीक है, और अगर बेस लिया है OH-, ये इसके अल्फा एच को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये अल्फा कार्बन है बच्चों CH2- एंड CH3। रीजन ये है कि आप बच्चों ये जो कार्बोनिल बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से एसीटोन से अल्फा एच को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको मिला है बच्चों इनोलेट आयन, ठीक है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, अगर बच्चों टोटोमेरिज्म हो रहा है तो उनको टोटोमर्स बोलते हैं। तो अगेन बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, CH2 माइनस है COCH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड O माइनस CH3 R। तो इनके पूछ रहा है कि इनका रिलेशन क्या है बच्चों, ठीक है। तो अभी देखा है बच्चों हमने ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड एज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इनका जो रिलेशन है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। बच्चों देखते हैं सीरीज रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों देखिए कार्बोनिल कंपाउंड दिया है और मिथाइल एमीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही स्टेप रिडक्शन के हैं, इसमें ऐसा ना समझे कि वाटर दिया है कुछ अलग काम करेगा, ठीक है। तो हम अगर लिखें बच्चों इसमें पहला रिएक्शन आपको पता है बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3 है, ठीक है। और अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव में जैसे रिएक्शन का सीक्वेंस बताया था उसी तरीके से करना है काम आपको। यहाँ से हम H2O रिमूव कर लेंगे, ठीक है, और जो हमें मिलेगा सी डबल बॉन्ड और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर मिलेगा N और CH3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, हम रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और हमें मिलेगा बच्चों CH CH3 एंड NHCH3। बच्चों इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है, दिए गए ऑप्शन से हम इसको मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड है SOCl2, तो SOCl2 का काम क्या है बच्चों, क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो SOCl2 इज यूज्ड एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट, रोल क्या है, OH को ये Cl में चेंज कर देता है, ठीक है। तो हमें मिलेगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OH और SOCl2 लिया है, मिल जाएगा बच्चों आपको CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। तो एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, ये है बच्चों आपका A प्रोडक्ट। इसके बाद देखिए बच्चों बेंजीन है और एनहाइड्रस AlCl3 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो आपको याद आ रहा होगा ये रिएक्शन है बच्चों फिडलक्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन है, ठीक है। तो फिडलक्राफ्ट असाइलेशन में आपको पता है कि बेंजीन के एच जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों हमें एसिटोफिनोन जिसको हम बोलते हैं बच्चों, एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हुआ ये बी है। अब अगर हम बी में बात करें तो बच्चों HCN मिला रहे हैं, तो HCN कार्बोनिल कंपाउंड क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। तो CN का अटैक इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, तो हमें मिलेगा बच्चों ये कार्बन और ये O माइनस होगा, इस एसिड का H पकड़ लेगा और CN ग्रुप आ गया और यहां पर आ गया बच्चों क्या CH3। तो ये है आपका C प्रोडक्ट। बच्चों इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोलिसिस का काम आप जानते हैं कि हम हाइड्रोलिसिस से जो CN है उसको COOH में चेंज करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है, ठीक है। तो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH एंड OH एंड CH3। तो ये है आपका बच्चों डी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हमें ABCD बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट डी को आइडेंटिफाई करना था, डी प्रोडक्ट है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। बच्चों देखिए पहला स्टेप बड़ा ही आसान है, HCN की एडिशन करा रहे हैं तो ए साइनोहाइड्रिन होगा, ठीक है। आपको याद होगा बच्चों ये रिएक्शन रट जानी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए साइनोहाइड्रिन है, तो साइनोहाइड्रिन बच्चों ये तो नहीं है, हाइड्रिन है लेकिन साइनाइड नहीं है बच्चों, ये साइनोहाइड्रिन है, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन में भी साइनोहाइड्रिन नहीं है, फोर्थ वाले में भी साइनोहाइड्रिन है बच्चों। सेकेंड
और फोर्थ में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब बच्चों देखिए, अगर हम बी की बात करें तो बी में यहां पर हाइड्रोलिसिस का उपयोग किया जा रहा है, यहां पर रिडक्शन का उपयोग किया जा रहा है। बच्चों अगर हम देखें, ये दोनों तो कॉमन है, ये ए है, ठीक है। अब अगर हाइड्रोलिसिस करते तो CnCOOH में चेंज होता, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसमें COOH कहीं पर नहीं है, प्रोडक्ट में क्या CH2NH2 दिया है, इसका मतलब ये काम तो कट गया, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर साइनाइड COOH में चेंज होता है और ऐसे प्रोडक्ट में कहीं COOH दिया नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों, तो आपका आंसर क्या है, आंसर है हमारा फोर्थ, ठीक है। तो हम इसको बना के देख सकते हैं, तो ए तो देख लिया है बच्चों, ये साइनोहाइड्रिन है, तो जो ए प्रोडक्ट है यहाँ पर देखिए सीएन का अटैक, ठीक है। वैसे तो सीएन का अटैक यहाँ से ही हो जाएगा, ये सॉल्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है, ये अटैक करेगा और इस एसिड से ये एच पकड़ लेगा, तो हमें मिलेगा बच्चों आर आर डैश सी ओ माइनस, ओ माइनस इस एसिड से एच लेकर के ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आएगा ओ एच, और यहाँ पर आएगा बच्चों सीएन, सीएन में क्या है बच्चों कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब बच्चों अगर आप इसका रिडक्शन करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिडक्शन करें, तो रिडक्शन पर देख रहे हैं कि ये CH2NH2 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि CN है प्राइम साइनाइड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो टू हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, टू हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तो ये CH2 और NH2 बनेगा। इसे आपको पता है बच्चों, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का अगर हम रिडक्शन करें तो पहले मिलता है बच्चों आपको CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और फिर से चूंकि अभी डबल बॉन्ड है, कंप्लीट रिडक्शन जब करेंगे तो हमें मिलेगा CH2NH2, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसके पहले भी वैसे डिस्कस किया है, तो PCl5 उसमें एसोसिएल टू था, PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ठीक है। जो काम एसोसिएल टू करता है वही काम PCl5 भी करता है, तो बच्चों CH3C11OH एंड PCl5, ठीक है, तो हमें मिलेगा CH3C11OCl। अब बेंजीन है, C6 क्या है बच्चों, बेंजीन और AlCl3, यहां से रिएक्शन का नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन है और AlCl3 रिएक्शन है फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, तो एसिटाफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा C11OCS3। अब आगे देखिए बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया है, तो ये कीटोन है, कीटोन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कीटोन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अब बच्चों C2H5MgBr, ठीक है, तो ग्रिगनार्ड का जब अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है बच्चों कार्बन, तो जब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा यहां पर आ जाएगा बच्चों, हमें मिलेगा ये CH3, तो ग्रिगनार्ड से आने वाला जो ग्रुप है वो क्या है C2H5, यहां पर C2H5 होगा, तो बच्चों ये रहेगा O माइनस, ठीक है ना, O माइनस बनेगा, यहां पर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वाटर दिखा नहीं रहा है, लेकिन हम अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस जरूर करते हैं, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन मतलब कीटोन, और अगर हम ग्रिगनार्ड लेते हैं RMGX, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमने आपको बताया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट में। तो देखिए, ग्रिगनार्ड की अगर हम बात करें कि जैसे RMGX है और CO2 है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 पर R का अटैक इस तरीके से होगा, ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या बन रहा है, RCO- एंड डबल बॉन्ड O। अब हाइड्रोलिसिस का जो स्टेप होता है बच्चों, उससे ये H पकड़ लेगा, तो आपको मिलेगा RC(O)OH। जो ध्यान रखना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिड का फॉर्मेशन करता है, तब R की जगह पर क्या है C6H5, और तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ग्रिगनार्ड का जो C6H5 ग्रुप है वो, और ऊपर चमकेगा COOH,
इस तरीके से एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये इसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों कह रहा है कि एक एस्टर है, एस्टर में ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ एक्सेस में लिया गया है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। फिर H2SO4 के साथ हीट करते हैं, एल्किन का फॉर्मेशन होता है और ओजोनोलिसिस करने पर एक कीटोन बनता है इस तरीके का, और कह रहा है कि ये आयरोफॉर्म टेस्ट देता है। अब बात करें कि आपसे कह रहा है कि ये जो कंपाउंड ए है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो पहले देखिए तो बच्चों ये एस्टर है, तो फर्स्ट तो ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें एस्टर के लिए जरूरी टू ऑक्सीजन नहीं है, इसमें तो एक ही ऑक्सीजन दिखता है। दूसरी बात देखिए बच्चों, ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि फोर्थ भी एस्टर नहीं है, फोर्थ क्या है, कीटोन है, क्योंकि इस तरीके से है कि पैरा पर लिखा है कि POCH3, तो पैरा पर क्या है बच्चों, OCH3, ठीक है, C6H4 है और COCH3 बच्चों, ये भी एस्टर नहीं है। अब एस्टर है हमारे पास ये सेकंड और थर्ड वाला, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा। तो बच्चों अगर हम देखते हैं सेकंड का रोल लेकर के चलते हैं, तो बच्चों ये C2H5 C11O OC6H5, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम ग्रिगनार्ड का अटैक करवाते हैं जो कि है CH3MgBr, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड का R- न्यूक्लियोफाइल काम करता है, लिविंग ग्रुप चला जाता है, तो हमें मिलेगा बच्चों C2H5 C11O एंड CH3, ठीक है। तो इसमें दिक्कत है इस ऑप्शन में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से ग्रिगनार्ड आया CH3MgBr, चूंकि एक्सेस में लिया है, ये अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल बना C2H5 और ये OH, एंड यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है। तो ध्यान दीजिए कीटोन अब इसमें से C8H8O ऐसा कीटोन बनाना है। बच्चों अगर हम देखें तो ये जो पार्ट अलग हो जा रहा है, क्या अलग हो जा रहा है, C6H5O- आगे पानी से वाटर से OH पकड़ लेगा, ये फिनॉल है, ठीक है। तो इस पार्ट में 6 कार्बन, और जब हम यहां पर अगर ओजोनोलिसिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें और हम आगे बता देते हैं इसको, तो ये अल्कोहल है और इसमें जब हम H2SO4 मिलाकर के इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो अल्कोहल देखिए किस तरीके का है, फिर से लिख देता हूं मैं इसको CH3CH2, तो ये H ऐसा बना देता हूं और OH, तो यहां से डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो सेटजेफ एल्किन का फॉर्मेशन होता है बच्चों CH3CH3 एंड CH3। अब अगर आप ओजोनोलाइसिस करते हैं अगर हम, तो बच्चों हमें मिलता है CH3CHO+O(CH3)CH3। तो जो कीटोन मिल रहा है कह रहा है कि उसमें 8 कार्बन है, तो बच्चों यहां तो 8 कार्बन है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो ये बच्चों सेकंड भी नहीं रहा, तो फर्स्ट को कट कर चुके हैं, पहले फोर्थ को भी कट कर चुके हैं, सेकंड को भी कट कर दिया, जो आंसर है वो मिलेगा बच्चों आपको इससे, इस थर्ड वाले पार्ट से। आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार फिर से, तो बच्चों देखिए तो C6H5 C11O OC2H5 और ग्रिगनार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, तो एक्सेस में लिया है, तो एक बार अटैक करेगा इसको भगाएगा, ठीक है, और दोबारा अटैक करेगा तो इस बोन को तोड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एस्टर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की एक्सेस के साथ जो प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, ठीक है, और अल्कोहल है आपका 3 डिग्री, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो C6H5COH में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये O- है और यहां पर CH3 एंड CH3, ठीक है। अब बच्चों अगर आप इसको एसिड के साथ हीट करें, H2SO4 के साथ हीट करें, तो यहां से ये एक एसिड ले जाएगा, ये दोनों बराबर ही कैसे भी ले जाए, तो हमें मिलेगा C6H5 और C(CH2)CH3, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस करवा दें, तो ओजोनोलाइसिस पर ये बॉन्ड टूटेगा और कीटोन जो मिला
कीटोन है C6H5 को रिंग बना देते हैं, सी डबल बॉन्ड OCH3 और प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। बच्चों देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे मैच करता है और इसमें अल्फा CH3 है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी मिलेगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म में इसका CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये मैच करता है तो बच्चों में आंसर मिला 3। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रोजन मुंड रिडक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया पेपर में, इसका नाम है रोजन मुंड रिडक्शन। ठीक है, तो रोजन मुंड रिडक्शन में बच्चों एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन है और प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा कि इसका प्रोडक्ट कब बनेगा, तो बेंजोइक क्लोराइड है, प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों बेंजाल्डिहाइड। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, RCOCl है, H2PdBSO4 लिया गया है, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों RCHO। तो रोजन मुंड रिएक्शन में COCl CHO में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिएक्शन बाय विच बेंजाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो बेंजाल्डिहाइड, अब बच्चों अगर हम इसमें की बात करें तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन, और गेटरमैन कोच रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेंजोइक एसिड ZnHgCl, तो बच्चों इसमें से हम बेंजाल्डिहाइड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ये है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये इटार्ड है, इटार्ड, और इटार्ड रिएक्शन में जो टोल्विन है ये ऑक्सीडाइज होकर के बेंजाल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट देखें अगेन फिर से बच्चों ये रोजन मुंड रिडक्शन है, तो रोजन मुंड रिडक्शन से बेंजाल्डिहाइड बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें तो क्लेमेंसन रिडक्शन ZN HG और HCl के साथ होता है और क्लेमेंसन रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों आप देखिए ZnHgCl कहां दिया हुआ है, ये सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस्टर है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हमने इस्तेमाल किया है, आपसे पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप देखें कि एस्टर है RC11OOR-, ठीक है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर देखें LiAlH4, ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, सबसे पहले बच्चों रिडक्शन करेगा तो इस एस्टर वाले बॉन्ड को तोड़ता है और हमें मिलेगा बच्चों RC OH + RO-OH। ठीक है, तो एक अल्कोहल एक एल्डिहाइड बना, बच्चों इस एल्डिहाइड में फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर एक एच लगेगा, एक एच यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो मिलेगा बच्चों आपको RCH2OH। ठीक है, तो ये अल्कोहल एक ये अल्कोहल है, तो मतलब बच्चों क्या है कि एस्टर फाइनली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में क्या बनाता है, अल्कोहल ही बनाता है, तो टू अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनाइड लिया गया है, रिडक्शन है 2H, तो 2H बच्चों इस ट्रिपल बॉन्ड पर लग जाएंगे तो जो X बनेगा वो होगा RCH डबल बॉन्ड NH, इसको हम बोलते हैं इमीन। अब जो चूंकि बॉइलिंग वाटर है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इस इमीन बॉन्ड को तोड़ देता है और इसमें से बनता है बच्चों एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बनाने का मेथड है, तो ध्यान से देखें बच्चों, इसको हम स्टीफेंस रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्टीफेंस रिडक्शन में RCN है और बच्चों हम SnCl2 और HCl का इस्तेमाल करके और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं और ये एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। ठीक है, जिसको हम स्टीफेंस रिडक्शन नाम देते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें हमें बेंजल्डिहाइड बनाना था, इस वाले प्रोसेस पूछा कि बेंजोइक एसिड कहां पर नहीं बनता है। मुझे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो पीसीसी के बारे में बच्चों ने आपको बताया है कि पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है। मुझे यहीं पर बेंजोइक एसिड नहीं बन रहा है। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड बनाता है। बच्चों यहां पर भी KMnO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एसिड बना देगा बच्चों, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें NaOCl और हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों ये NaOCl ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म में अल्फा CH3 वाला बच्चों क्लोरोफॉर्म बना लेगा और दूसरा पार्ट सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, ठीक है। सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये बच्चों कंप्लीटली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसमें भी एसिड बनेगा, थर्ड में बनेगा, फोर्थ में बनेगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा सवाल है। करें कंपाउंड एक्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, कॉपर के साथ हीट करते हैं तो ए बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि कॉपर के साथ हीट करके ए बन रहा है, और आगे की जो टेस्ट है उससे भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि OH- साथ हीट करते हैं तो वाई बनता है, और NH2 के साथ बच्चों जेड बनता है, और ये जो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और बेसिक मीडियम है बच्चों, ये टॉलेंस रिएजेंट है, क्योंकि यहां से समझ में आ रहा है कि सिल्वर मिरर बनाता है, ये है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट है बच्चों वो अल्कोहल में होता है, ये एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होता। इसका मतलब बच्चों एक बात तो क्लियर है कि ए एक एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होता। अब जो कॉपर के साथ हीट करने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड कब बनेगा, जब एक्स 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है बच्चों, CH3CH2OH, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल होगा और 2 कार्बन है उससे एल्डिहाइड बनेगा, तो ए है बच्चों आपका CH3CHO, ए क्या है CH3CHO, तो टॉलरेंस टेस्ट समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन को अगर देखिए, जो बेस के साथ हीट कर रहे हैं, एल्डोल है, एल्डोल, और एल्डोल में हीट करते हैं तो एक ये कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, इसकी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ब्यूट टू इनल, तो ब्यूट टू इनल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर बच्चों ये अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2NNHCONH2, ये बच्चे यहां से वाटर रिमूव करके इसको हम सेमी कार्बोजाइड कहते हैं बच्चों, और प्रोडक्ट बन जाते हैं बच्चों सेमी कार्बोजोन। तो यहां से मिलेगा हमें CH3CH डबल बॉन्ड NNHCONH2, इसको हम कहते हैं बच्चों सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मुझे देखिए, फेरिक क्लोराइड इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, तो बच्चों फिनॉल का टेस्ट है फेरिक क्लोराइड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिख रहा है बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट दोनों ही ग्लूकोज के डिटेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी सही है। टॉलरेंस रिएजेंट इज यूज्ड, टॉलरेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट का यूज अनसैचुरेशन के डिटेक्शन में नहीं करते। अगर हम अल्काइन की बात करें तो ये टर्मिनल अल्काइन को जो एसिडिक एच होता है उसको आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं, और एल्डिहाइड में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बच्चों गलत हो गया, ठीक है। फिर देखिए, सोडियम बाइसल्फाइट इज यूज इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइसल्फाइट के साथ हम कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन में ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो जो पूछा है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है बच्चों आंसर है 3। बच्चों नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो बच्चों पहला कह रहा है कि टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन, बच्चों ये प्रोपेन है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं, तो चूंकि बच्चों अल्कोहल है 2 डिग्री का, और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनाता है, ठीक है, तो यहां पर तो बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, तो बच्चों आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो फिर है बच्चों फिनॉल है सेकेंड और थर्ड में, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन आसान नहीं है, तो ये कोई बात नहीं है इसका। फिर नेक्स्ट टू मिथाइल टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अगर हम इसकी बात करें तो ये बच्चों CH3 OH and CH3 1, 2 and 3, तो टू हाइड्रोक्सी टू मिथाइल प्रोपेन है बच्चों, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो हमें आंसर मिला है जहां से कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, वह है आंसर है बच्चों आपका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डज नॉट रिमेन सेम, ठीक है। तो अगर हम बच्चों इसमें देखें व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन, तो बच्चों देखिए ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो CCl3 CH2COOH एसिड बना देता है। इसी तरीके से बच्चों ये अल्कोहल है, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो उतने ही कार्बन का एसिड बनता है। सेम बच्चों एल्डिहाइड यहां पर है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो ये भी उतने ही कार्बन का एसिड बना देगा, ठीक है। तो यहां पर तो कार्बन के एटम की संख्या समान है, लेकिन बच्चों अगर हम इस कीटोन की बात करें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन वैसे तो आसान ही होता, अगर हम अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक कार्बन यहां पर है बच्चों, तो ये तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जो दूसरे कार्बन है वो टू कार्बन का एसिड CH3COOH बनता है। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। तो देख रहे हैं कि यहां पर जो रिएक्टेंट में कार्बन है और प्रोडक्ट में कार्बन है उसमें सेम नहीं है, तो यही आंसर मिला बच्चों हमें फर्स्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2Cl3OH, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एस देता है और ऑक्सीडेशन करने पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है, और ए को बना सकते हैं क्लोरीन और C2H5OH, और बेस के साथ रिएक्शन करने पर हम ए को बना सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ए क्या है, तो बच्चों देखिए मिथाइल क्लोराइड की बात कर रहा है, तो मिथाइल क्लोराइड में तो बच्चों CH3Cl ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर कह रहे हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, तो बच्चों एसिटिक एसिड है CH3COOH और मोनोक्लोरो है तो CH2Cl, बच्चों यहां पर 3 क्लोरीन है, ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अब देखिए क्लोरल, तो क्लोरल है बच्चों CCl3CHO होता है और ए वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई करता है कि क्लोरल है, बच्चों ए क्या है, क्लोरल है, और क्लोरल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, चूंकि एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपसे बात कर रहे हैं कि ए क्या है, ए एक क्लोरल है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, बच्चों सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड में होता है और कीटोन में ये टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट, अब ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड इसमें मिलेगा, अमाइड और एसिड वगैरह का भी ये टेस्ट नहीं है, अमाइड या एसिड डेरिवेटिव का ये टेस्ट नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि ए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए और बी का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी को मिला दिया गया है, अब इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को सेपरेट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बच्चों फिनॉल में नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन ये जो एसिड है, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड
सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है और इस केस में CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आंसर्स को मैच कराएं तो हमें आंसर मिला बच्चों 4th। ठीक है, बाकी से हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं।